संगठन के स्तर पर भी मंथन होगा। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, इंडिया गठबंधन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, किसी मीटिंग में हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया गया, अपने सहयोगियों को इग्नोर किया जा रहा है। 1 और 5 जून की बैठक में हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया गया। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की, नागौर सीट से सांसद चुने गए हनुमान बेनीवाल। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी इंडिया गठबंधन के खेमे से आ रही है, जानकारी ये कि किसी भी बैठक में अब तक जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है उसमें हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के खेमे से बड़ी खबर। जहां बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सामने आया कि गठबंधन के जो तमाम सहयोगी है उनमें हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया गया है। किसी भी बैठक में अब तक हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया गया, जबकि हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वे नागौर से सांसद चुने गए हैं गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर, उन्होंने जीत हासिल की है, ये बड़ी जानकारी है। तो कई तरह की चर्चाएं इंडिया गठबंधन में, इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है कि 1 और 5 जून की जो बैठक थी उसमें हनुमान बेनीवाल को बुलाया नहीं गया। बड़ी खबर इस वक्त की इंडिया गठबंधन के खेमे से, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ एनडीए की बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी बैठकें चल रही है, लेकिन इसी बीच ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि हनुमान बेनीवाल को किसी बैठक में अब तक नहीं बुलाया गया, जबकि हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के सहयोगी के तौर पर जीत करके आए हैं। वे साझा प्रत्याशी थे इंडिया गठबंधन के, उनकी पार्टी आरएलपी गठबंधन के साथ थी और उनकी जीत नागौर से हुई है। और ऐसे में ये सवाल जरूर अब खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। किसी भी बैठक में हनुमान बेनीवाल को अब तक नहीं बुलाया गया, इंडिया गठबंधन को लेकर के ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है। और हमारे साथ में नागौर से नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल जुड़ चुके हैं। बेनीवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद, बधाई भी आपको आपकी जीत पर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो बैठकों का दौर चल रहा है उसमें आपको बुलाया नहीं गया, क्या ये बात ठीक है? देखिए, इंडिया गठबंधन की जब शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुझे आमंत्रित किया उस समय जी, कि भाई आप हमारे साथ अलायंस करें, और मैं अलायंस को राजी हो गया था। और अब जब अलायंस भी लेट हुआ, काफी दिन बाद अलायंस हुआ, अगर अलायंस समय पे होता तो कम से कम 17 सीटें कांग्रेस और इंडिया अलायंस राजस्थान में जीतता, क्योंकि हमारा अलायंस एंड टाइम पे हुआ और उसके बाद मेरे जिले के अंदर मुझे जाना था, 16-17 दिन का समय मिला था जी। जिला बाहर छोड़ नहीं पाए, नहीं तो बीकानेर, जयपुर ग्रामीण और आपकी जोधपुर की सीटें इंडिया अलायंस जीत जाता। मुझे दुख इस बात का है, मैं इंडिया अलायंस के साथ ही रहूंगा, बीजेपी के साथ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन 3 मीटिंग इन्होंने चुनाव के दरमियान भी बातचीत होती थी, मेरे से कभी बात नहीं करी। अभी 2 मीटिंग इन्होंने 1 तारीख और 1 मीटिंग इन्होंने कल करी इंडिया अलायंस के दलों की, जिसमें सिंगल मेंबर पार्टी जो थी साउथ की उनको भी बुलाया, मुझे छोड़ के इन्होंने सारे लोगों को बुलाया। तो ये सरासर एक तरीके का अपमान किया इन्होंने मेरा जानबूझ। तो आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन की बैठक में क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? अब हो सकता है स्टेट पॉलिटिक्स है इनके, कई तरह के, कोई कोई स्टेट में कह रहा मैंने कांग्रेस की 30 सीटें ला दी, कोई कह रहा मैंने जीता दिया कांग्रेस, तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा था 10 साल से जी। लेकिन मुझे याद है कि जब आपका गठबंधन हुआ था बेनीवाल साहब, उस वक्त भी कांग्रेस में एक धड़ा था जो नाराज था, जो नहीं चाहता था कि हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो। दो धड़े जी, एक हमारे जाट ग्रुप था जी, बाड़मेर और शेखावाटी का, 2 नेता ये थे और 1-2 नेता और थे। मैं खुला से जब दिल्ली आऊंगा जब करूंगा इन बातों का। गठबंधन से इन्होंने मेरी पार्टी भी तोड़ी उस समय, आप बताइए, एक तरफ तो गठबंधन की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ मेरी बाड़मेर के अंदर जो पार्टी थी उसको तोड़ के मेरा उम्मीदवार उधार ले जाके, और अब कह रहे कांग्रेस जीत गई। वो तो आरएलपी जीती थी, कहां जीती कांग्रेस वहां पर बताऊंगा। और मुझे नहीं बुलाना, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में नहीं बुलाना, और ये इंडिया अलायंस की संख्या 234-235 जो भी आप बता रहे हो, तो आमंत्रित तो करेंगे ना, फिर आमंत्रित नहीं करेंगे तो फिर कैसे, आप बताओ मैं कैसे मानूंगा मैं इंडिया अलायंस के अंदर हूं जी।
लेकिन हम नामा में मिले थे हनुमान जी, तो आपने आपने खुलकर के इस पर बात की थी, कहा था कि ये जो धड़े हैं वो नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल आए, क्योंकि उनकी राजनीति कह रहा हूँ, अभी मना कब कर रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूँ जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, इंडिया एयरलाइंस के साथ ही रहूंगा। तो ये कौन लोग हैं जो ये चर्चा कर रहे थे कि हनुमान बेनीवाल जो है वो एनडीए में जा सकते हैं? ये मुझे नहीं पता कौन कर रहा था, मेरे पास किसी तरह का कोई मैसेज नहीं था। मैं तो मेरे नागौर संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिल रहा हूँ, कल कार्यक्रम अटे। मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी और इन पार्टियों अभी से अगर ये सत्ता 200 अगर 90 आ जाते इनके, तब हमारे क्या हाल होते। मैं ये कह रहा हूँ जब 230 पे इनको एक एक एमपी इनका याद नहीं है, और वो एमपी याद नहीं है जिनकी वजह से 11 सीट जीते हैं। जीत जाते ना, पहले कब मना किया है ना, 19 में जीत जाते हैं, 14 में जीत जाते हैं, सारे धरासा ही बन राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हर जगह 1,50,000 2-2 लाख वोट इनको मिले लोकसभा के अंदर, तभी इनकी सारी सीटें जीती है। लेकिन ये चाहते हैं कि भाई क्रेडिट इनको मिलता रहे, बैठते रहे और सारा क्रेडिट दिल्ली में जाके बोल। क्या कांग्रेस के कुछ नेताओं को हनुमान बेनीवाल का के जनाधार का अंदाजा अभी भी नहीं लगाया? आप लगातार चुनाव जीतते आए। मैं लगा दूंगा, इनको नहीं लगा तो ऐसा है, बीजेपी वालों को भी लग गया था और कांग्रेस को भी लग जाएगा। लेकिन ऐसा है कि अभी मैं इंडिया एयरलाइंस के साथ हूँ, मैंने जनता को कमिटमेंट किया है, और जो नागौर में मुझे कांग्रेस पार्टी का वोट मिला है 3 लाख के लगभग, 2.5 से 3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी का मुझे मिला है, बाकी तो मेरा खुद का वोट था। मैं 14 में चुनाव लड़ा जब भी 1,60,000 वोट लिए थे 10 साल पहले, वोट ये थोड़े कि पूरा कांग्रेस का ही वोट था। लेकिन मेरा 20 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को पूरे राजस्थान के अंदर मिला, और वेस्टर्न यूपी हरियाणा पंजाब से लेके तमाम जगह जहाँ किसान के बेटे मेरे समाज के लोग, जब मैंने सत्ता छोड़ी थी मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, वो लाखों लोग हनुमान बेनीवाल के साथ थे, तुरंत अलायंस होते ही कांग्रेस पार्टी के साथ हो गए थे। मुझे इस बात का दुख है कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए सत्ता से बार बार ये बाहर रहती है कि इनको समझ ही नहीं इन लोगों को कि कौन इनका है कौन पराया। अपने अगर व्यक्ति को बुलाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे ये बताओ प्रधानमंत्री की। एक बात बताइए बेनीवाल साहब, क्या आपकी जीत के बाद में किसी से बड़े नेता से बातचीत नहीं हुई इसे लेकर के कांग्रेस में? मेरे पास टेलीफोन आया था बधाई देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का जी, दिल्ली से मुकुल वासनिक जी का और मोहन प्रकाश जी, ये टेलीफोन आया था मेरे पास, बधाई दी थी इन लोगों। पायलट साहब ने भी बधाई दी थी? वो तो आज दी थी, अभी शाम को जब नहीं बुलाने की बात चली ना, हाँ तब उनका भी आया था बधाई के लिए। आज शाम को आया उनका दोपहर के लगभग 3-4 बजे, उनको पता लगे मैं बुलाया नहीं, क्या तो बात इधर उधर चली होगी तो बधाई का आया था फोन। सभा तो नहीं की उन्होंने मेरे लिए, मैंने कहा था उनको सभा करने के लिए। हाँ, तो आप पर भी कई आरोप लगे कि आप भी बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने के लिए नहीं गए? नहीं, वो इसलिए नहीं गया कि मैंने कहा भाई दिल्ली से मुझे टेलीफोन कराओ, क्योंकि मेरी पार्टी को इन्होंने दिल्ली तोड़ा था, ठीक है ना। मैं इस बात के लिए नाराज था कि एक तरफ तो अलायंस की बात कर रहे थे, एक तरफ तो आप मुझे अगर स्टूडियो में बुला लो और स्टूडियो में बुला के कहते हो कि आपको नहीं बुलाएंगे उधर बैठ जाओ, तो कितना बड़ा अपमान होता आदमी का। मेरे इसी तो अलायंस कर रहे थे, 2-3 सीट की बात हुई और मेरी पार्टी को तोड़ा, इसको लेकर मैं नाराज था। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम बाड़मेर में साथ थी, आरएलपी के बिना इनके पास सामान नहीं कि बाड़मेर की सीट जीत जाते। लेकिन हनुमान जी आज जब सचिन पायलट का फोन आया तो आपने अपना दर्द बयां नहीं किया कि एक तो मेरे को बैठकों में नहीं बुला रहे, पहले आप मेरे लिए प्रचार करने नहीं आए? मैं नेता हूँ, मेरी खुद की पार्टी है, मेरे पास सचिन पायलट तो कांग्रेस के नेता है, मेरी खुद की पार्टी है। राजस्थान की हिस्ट्री में पहली बार किसी व्यक्ति ने पार्टी बनाई, एकदम मेरे अंदर ही है, बाकी नेताओं का दम निकल के देखा था मैंने, बड़ी बड़ी जो डींगे आंक रहे थे ना वो उन्हीं पार्टियों के अंदर बैठे हैं, वो ही पोस्टर लगे हैं, ठीक है। तो बिना आप बिना अगर कहते हैं कि सचिन पायलट के बिना है भी हनुमान बेनीवाल 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत करके आए हैं। सचिन पायलट और इनका क्या, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये जो अलायंस हुआ है ना, ये अलायंस राजस्थान में भाजपा को रोकने को, सचिन पायलट मेरा नेता थोड़े, कैसी बातें कर रहे हो आप जी? हनुमान बेनीवाल का नेता सचिन पायलट और दूसरे लोग थोड़े हैं, वो तो कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं तो, कि कांग्रेस के नेता अलायंस अलग था, कांग्रेस के नेता अलग थे। अलायंस में कांग्रेस के नेताओं का आना तो बनता था ना, बड़े नेताओं का कम से कम आए होंगे, क्या फर्क पड़ता, उनके नहीं आए तो भी जीत गया मैं जी, और आते तो आज आते तो उनका ही अच्छा लगता। आप तो आने की बात कर रहे हो, जब सेकंड राउंड था, जब 19 को पहला राउंड खत्म हो गया, तब मैंने इनको कहा कि आप मेरे व्यवस्था कराओ कोई साधन की, मैं कोटा जाना चाहता हूँ। टोंक सवाईमाधोपुर का कैंडिडेट बार बार कह रहा था, पहले राउंड में बीकानेर चूरू वालों ने मुझे कहा, तो मेरे गांव बाकी थे करीब 500 कार्यक्रम थे मेरे, तो बिना हेलीकॉप्टर के संभव नहीं थी ये चीजें। इन्होंने कहा आज साधन मुहैया कराने हैं, बाद में कोई नहीं करवाया इन्होंने, बाद में इन्होंने कहा ठीक है साहब आप चलो कोई नहीं, जो इनके दिमाग मतलब ऐसे थे
कि इनकी लहर चल रही है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, इनकी लहर चल रही है, इनके देखो गलतफहमी तो थी पूरी है ना। और इसलिए तो विधानसभा चुनाव के समय भी मात खा गए लोग, उस समय लाइन की बात कर, इनके तो क्या 5-6 धड़े हैं तो राजस्थान। तो एक 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 और सवाल बेनीवाल जी, हनुमान जी मैं एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल ये तय कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे 5 साल? मैं 5 साल तो किसने देखा है, कल किसने देखा, 5 साल बाद मरेंगे जिएंगे, कोरोना आ गया था पहले, 5 साल तो वो लोग जिंदा नहीं रखे, मंत्री थे सांसद चले गए, कल किसने देखा है। लेकिन आज मैं इंडिया एयरलाइंस का हिस्सा रहूंगा और जबरदस्ती रहूंगा, सुनो हाँ मुझे रहना है क्योंकि मैंने जनता को कमिटमेंट किया है। नहीं आपने ये भी कह दिया ना कि कल किसने देखा है, कल रहूंगा या नहीं रहूंगा, कल किसने देखा, तो कल कोई देखा है क्या? देखो ना आप ये सारे जिस तरह का हालात देश के अंदर हो रहे हैं जी, तो कल किसने देखा, कल क्या होगा पता है कि कल, आज कल क्या होगा ये थोड़ी कह सकते हैं जी। लेकिन मेरी पार्टी राजस्थान में जिंदा रहेगी और 2028 का चुनाव भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दम पे राजस्थान में लड़ेगी, तमाम जो उपचुनाव होंगे उनमें आरएलपी लड़ेगी, मैं आपको ये कह सकता हूँ आरएलपी लड़ेगी चुनाव सारी। बिल्कुल हनुमान जी एक बार फिर से आपको बार भी जीत की बधाई। पार्टी के नेताओं ने पार्टी को विलय कराने का खूब प्रयास किया, अमित शाह मोदी ने जी नहीं किया मैंने विलय, तो बीजेपी ने भी आपको फोन किया था अभी इन दिनों में, बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई हनुमान बेनीवाल की? हुई भी नहीं, करूंगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करूंगा, हुई भी नहीं, मेरी ताकत से लड़ाई लड़ूंगा जितनी मेरी ताकत है लगाऊंगा राजस्थान के अंदर, लड़ाऊंगा राजस्थान, 2 बार लड़ लिया, 18 में लड़ लिया, 23 में लड़ लिया, सारे उपचुनाव लड़े, पंचायत दम है, जितना दम है लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन मेरी नाराजगी इस बात की है कि इंडिया एलायंस के लोगों ने मुझे आमंत्रित नहीं किया, 2 बैठकें कर ली जी। आज खड़गे के ऑफिस से फोन आया था मेरे पास 4-5 बजे के, साहब बात मिस्टेक हो गई, बात करना चाहते हैं, मैंने बात नहीं। आपने क्या कहा? मैंने कहा बात नहीं करूंगा। और क्या कहा आपने? कहा बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और वहां बैठूंगा इनके साथ में, मेरी मर्जी चलूंगा, इनके भरोसे थोड़े हूं मैं नेता। तो आप जन्म जात बात नहीं करेंगे, हनुमान बेनीवाल नाराज हैं? जब तक मेरा मन होगा जब तक नहीं करूंगा, ऐसा है कि इनकी वजह से मैं नेता नहीं हूं, मैंने इनको मदद करी, इन्होंने मेरे को करी, इन्होंने मेरे से ज्यादा लिया, मुझे 3 लाख वोट इन्होंने दिए और 20 लाख मैंने कांग्रेस पार्टी को दिलाई राजस्थान को। हनुमान जी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे, बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही हैं गठबंधन को लेकर के, और ये भी उन्होंने कह दिया कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं करेंगे, कांग्रेस के नाराज हैं, अपनी नाराजगी खुल करके व्यक्त की है, और ये भी कहा कि बीजेपी को भी उन्होंने अपने जनाधार का एहसास दिलाया, कांग्रेस को भी दिलाऊंगा, ये भी कहा कि आने वाले समय में आरएलपी लड़ेगी, और ये भी कहा है कि आज दिन तक तो वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, कल किसने देखा, इशारों इशारों में बड़ी बात हनुमान बेनीवाल कहते हुए दिखाई दी हैं।